वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं और ये रेमेडी को समझते हैं। तो ये जो केस है ना, एक 3 साल की बच्ची का केस है, 3 साल की बेटी है वो, उसका केस है। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि उसका, जब वो पेशेंट मेरे पास नहीं आया एक्चुअली, उसका फादर आता है मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पुराने पेशेंट हैं, तो उसने कहा कि एक बार होम्योपैथी में करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आया, तो उसने बोला, ये अपनी दवाई लेने आया था, उसने बोला कि बेटी को भी एक समस्या है कि उसके साथ क्या होता है कि उसको ना वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ भी खाती है वॉमिटिंग हो जाती है और लूज मोशन भी हो जाता है। तो लूज मोशन तो कम होता है, लेकिन इसको हर बार वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ भी खाएगी वॉमिटिंग कर देगी, कुछ भी खाएगी कुछ देर बाद उसको वॉमिटिंग हो जाती है। और ये 2-4 महीने से नहीं, 1 साल से ज़्यादा हो गया चल रहा है ऐसा। इवन डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर उसके कुछ समझ ही नहीं आया एलोपैथी में, उनने जो भी मेडिसिन दिया बट उससे बेटर नहीं हुआ, उसका चल ही रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि बच्चे का नेचर कैसा है। तो एक्चुअली फादर ने तो उसको नहीं समझा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप कॉल करो, मैं वीडियो कॉल पर उससे बात करता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चा फ़ोन पे, इसकी मदर ने फ़ोन उठाया, मदर से मैंने बात करी कि कैसी है ये, और तो उसकी मदर ने बताया कि बस ये, उसने वही जो कंप्लेंट है वो बताई कि खाती है तो उल्टी कर देती है, बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा है, इसका बॉडी भी नहीं पनप रहा है, ठीक है, इसी की वजह से। तो मैंने पूछा कि इसका नेचर कैसा है। तो हम बच्चा, अब 3 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा क्या पूछेंगे, तो इसमें ना हम सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमको फियर, उसके फियर, ठीक है। तो अभी देखो आप, इवन 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, हर बच्चों में सेम सिचुएशन नहीं होती। तो इस बच्चे को उसकी मदर ने, मैंने कहा उसको सामने लेके आओ आप, तो सामने आई मेरे और ऐसे करती है, आई सामने, फिर ऐसे। तो ये देखा आपने, ये जो कर रही थी और हंस रही थी, मुझे देख के हंस रही थी, फिर उधर छुप जाती थी, फिर वापस कैमरे में आती थी। तो यहां से आपको समझता है कि ये बच्चा टिमिड है, किसी के सामने वो आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये टिमिडिटी बासफुल चिल्ड्रन इन, आप डायरेक्ट टू ब्रिक ले लो, ये टिमिडिटी बासफुल, ठीक है। और ये जो कर रही थी ना, ये जो कर रही थी, प्ले डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक, ये रूब्रिक है हमारे पास। तो वो खेल रही थी, मतलब ऐसा खेल जिस पर वो आप अपने आप को दिखाता भी है और अपने आप को छुपाता भी है बच्चा, ठीक है। तो दिस इज प्ले डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक। और फिर अब मैंने उसको कहा कि उसको छोड़ो आप, मम्मा से मैंने पूछा उसकी, तो मैंने पूछा कि इसका स्वभाव कैसा है, लोगों के साथ कैसा है। हाँ, तो उसने बोला, उसकी मदर ने बोला, डॉक्टर साहब लोगों के साथ क्या है इसका, ये तो जस्ट भाग खड़ी होती है कोई आए तो, ठीक है, मतलब घर पर कोई भी अजनबी आया वहां से अंदर हो जाती है और फिर बताती कि मम्मा कोई आया है। तो दिस इज एस्केप अटेम्प्ट्स टू फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, कोई अजनबी आया तो उसको देख के ये भाग खड़ी होती है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है। टिमिडिटी बासफुल ऑकवर्डनेस, ठीक है, मतलब बच्चों में ऑकवर्डनेस भी होती है। तो ये हम अभी नहीं पता हमको, टिमिडिटी बासफुल हमने लिया, ठीक है। और देखो, इवन एक रूब्रिक और है हमारे पास, लुक्ड एट कांट बियर लुक्ड एट, ठीक है। वो उसको, मतलब वो किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में आंख डाल के नहीं देख सकती, ना उसे कोई देख सकता है, ठीक है। तो लुक्ड एट कांट बियर लुक्ड एट, फियर फियर ऑफ अलोन बीइंग, वो अकेला रहना भी पसंद नहीं करती है, ठीक है। और उसकी मदर ने बताया कि वो कई बार होता क्या है कि वो जब सोती है ना, तो कुछ यदि बर्तन की आवाज आई तो फटाक से उड़ जाती है, तो स्टार्टल्ड नॉइस फ्रॉम, ठीक है। तो ये सारे जब आप रूब्रिक लगाएंगे ना, तो हमारे पास एक रेमेडी आती है, बैराइटा कार्ब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बैराइटा कार्ब 30 के 3 डोज देने के बाद उसको पूरा 1 महीना उसका वॉमिटिंग नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक आध 2 एपिसोड और हुए, तो मैंने उसको 200 का एक डोज और दिया, और उसका प्रॉब्लम अभी भी 3 साल से सेटल है, ठीक है। तो काफी पुराना केस है। तो ये समझो आप कि ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपका होम्योपैथी में कितना बड़ा काम करता है, ठीक है। तो हम इस ड्रग को थोड़ा सा समझते हैं।
ठीक है। तो ये जो ड्रग है ना बराइटाकार, किसी भी एज ग्रुप की रिमेडी है, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड पीपल में यूज़ कर सकते हैं, इवन ओल्ड पीपल में मेमोरी लॉस कर जाते हैं लोग, ठीक है, जिनको मेमोरी जिनको याददाश्त नहीं होती, ठीक है, वो लोग मेमोरी लॉस कर जाते हैं, उनकी रिमेडी है। टिमिडिटी, बैशफुल और तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये बच्चे आपकी क्लिनिक पे आएंगे ना, ये जब बच्चे आपकी क्लिनिक पे आएंगे तो आते से ही आपको समझ में आ जाएगा ये कि इसमें थोड़ा सा टिमिडिटी है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो टिमिडिटी अपियरेंस, वही टिमिडिटी अपियरेंस इन द पब्लिक, ठीक है, वो डरते हैं बच्चे, टिमिडिटी हो गया, उसी को बोलते हैं टिमिडिटी, बॉसफुल ऑकवर्डनेस। जब बच्चे आपके पास आएंगे ना तो ढंग से बैठ नहीं पाएंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, किसी भी तरीके से, कुछ बच्चे ना तो आपकी चेयर पे ही लेट जाएंगे। सो दिस इज टिमिडिटी, बॉसफुल एंड ऑकवर्डनेस, एक बेढंगा बिहेवियर जो होता है बच्चों का, ठीक है। तो कुछ बच्चे ना वही आपने यदि बच्चों को देखा तो ऐसे कर लेंगे ये, और फिर वो ऐसे फिंगर से देखते हैं, दो फिंगर से बीच से देखते हैं, तो आपके पास एक रूब्रिक भी है, ठीक है, लुक्ड ऐसा कुछ करके आप चेक करना, वो रूब्रिक भी है। तो इसको भी कहते हैं, इसी रूब्रिक को हम ये भी कह सकते हैं, प्ले डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक, मतलब छुपते भी हैं और देखने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये फेस कवरिंग, इसको बोलते हैं फेस कवरिंग, और कोई रूब्रिक है आप चेक करना, बहुत बढ़िया रूब्रिक है, वॉचिंग बिटवीन फिंगर्स, ठीक है, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो ये जो सिचुएशन है आपको क्लिनिक पर देखने को मिलेगी। अब ये जो बच्चे होते हैं ना, किस किस वजह से ऐसे बैराइटाकार वो बनते हैं, तो एलमेंट फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जब पेरेंट्स हो करते क्या है, इनके साथ ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इनकी केयर करते हैं, इनकी देख रेख करते हैं, इनको इवन कहीं गिर ना जाए तुरंत सपोर्ट करते हैं, तो ये फिर लैक ऑफ सपोर्ट, इनका खुद का सपोर्ट खत्म हो जाता है, इनका जो खुद की इंडिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, गिरने देना चाहिए, ठीक है, बट वो खुद उठेंगे, खुद चलेंगे। तो आपने यदि उनको नहीं करने दिया तो उनका खुद का स्पाइन डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये फिर स्पाइन लेस कहलाते हैं, ठीक है। खुद खुद का इनकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं होती, खुद के इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद का इनका स्पाइन नहीं होता जिस पर ये अपने आप को स्टेबल कर सकें, ठीक है। तो एलमेंट फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन से बैराइटाकार, कैल्केरिया और सिलिका जैसी रेमेडी बनती है। अब यहीं पर डिलेड माइल स्टोन, इसीलिए डिलेड माइल स्टोन होते हैं इनके, क्योंकि इनको हमने डिपेंडेंट बना दिया है, ठीक है। इसीलिए एक रूब्रिक और है, इंडिपेंडेंसी लैक ऑफ, मतलब वही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे तो अभी इनका ना डिपेंडेंट हो, क्या होता है वो मेंटल फिजिकल दोनों तरीके का डिपेंडेंस हो जाता है, दोनों तरीके की उनकी स्पाइन लेस हो जाती है। तो अभी देखो आप इन बच्चों में ना वीकनेस, तो मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस दोनों, इसीलिए बोलते हैं इनको ड्वार्फ, फिजिकल मेंटल ड्वार्फनिज्म की रेमेडी है। तो ड्वार्फ मतलब क्या होता है कि उनका मेंटल फिजिकल विकास नहीं होता है। तो मेरे पास एक बच्चा और आया था, वो है 12 साल का, बट उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं लगता, मेंटल एग्जर्शन एवर्जन टू, ठीक है, बिजनेस एवर्जन टू, पढ़ाई लिखाई में। पेरेंट्स आएंगे ना, आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया दवाई है उनके बच्चों के लिए, ठीक है, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इवन याद करते हैं डॉक्टर साहब याद नहीं रहता इन बच्चों को, ठीक है। तो उससे मैं पूछूं, बोल तेरा क्या नाम है, नाम तो बोल दिया उसने, बढ़िया से बोल दिया। फिर मैंने पूछा, पर वो ऐसे सोचता है, थोड़ा भी ऐसे आके बैठ जाएगा, ऐसे इधर उधर देखेगा, कुछ पूछो तो फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है यार कि तू क्लिनिक पे है, मतलब ये एबसेंट माइंडेड, इनका दिमाग एक जगह पर नहीं रहता, ठीक है। इसलिए वीकनेस इन स्टडी, फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, इसलिए ये फिजिकल मेंटल ड्वार्फ की रेमेडी है, ठीक है। अब जब मेंटली नहीं तैयार रहेंगे, मेंटली ड्वार्फ रहेंगे, तो लर्निंग एबिलिटी नहीं रहती इनके अंदर, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू लर्न, डिफिकल्ट टू ग्रेस्प, डिफिकल्ट टू होल्ड, इसलिए मेमोरी जो इनकी होती है पुअर होती है, ठीक है, याददाश्त कमजोर होती है। एक बहुत बढ़िया रूपरेखा है,
मेमोरी वीक इन चिल्ड्रन कांट चाइल्ड कांट बी कांट बी थॉट, मतलब सोच नहीं पाता वो, ठीक है। इवन देखो आप मेमोरी वीक लर्न फॉर वॉट जस्ट ही हैड, मेमोरी वीक, अभी देखो इसको, लर्न फॉर वॉट जस्ट ही हैड मेमोरी वीक, मतलब उनकी याददाश्त अभी जो उन्होंने लर्न किया उसके लिए कमजोर है, उसी को बोलते हैं मेमोरी फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, भूल जाते हैं वो। तो कई पेरेंट्स आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब इसको कुछ याद नहीं रहता, एक तो पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, और जो पढ़ता है वो भी भूल जाता है, ठीक है। अभी देखो तो ये जो रूब्रिक आपको बताया हमने, है ना, इवन तो वही लर्निंग की उनकी कैपेसिटी नहीं होती, लर्न नहीं कर पाते लोग, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग पर घुसता ही नहीं है, तो ऑल हमने इनको ड्वार्फ बना दिया है, ठीक है। विल नन ऑफ हिज ओन, एक अकेला रूब्रिक, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, विल नन ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की विल नहीं होती है, आपको धक्का देना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है, यार पढ़ ले जाएगी, कुछ तो कर ले, एग्जाम है तेरा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी खुद की विल तैयार नहीं होती। तो ये डिपेंड है ना, हमने इनको डिपेंडेंट बना दिया है कर करके, है ना। तो एम्बिशन लॉस ऑफ, कोई एम्बिशन नहीं है इनका, ठीक है। अब यदि तकलीफ होती है तो क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर, किसी को भी क्लिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट है एक टाइडी इन अपियरेंस, प्रॉपर टू, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इवन बड़े बड़ी पोस्ट पे भी जाके बैठ सकते हैं ये लोग, बट ये मोनोटोनस होते हैं, जो उनको दिमाग पे आया वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उतना दम नहीं होता, नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब फिक्स हमको इसी रास्ते से जाना है तो इसी रास्ते से जाना है, ठीक है। अभी वहां पर गड्ढा आ गया तो भी गड्ढे से गुजर के जाएंगे, वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही जो ये लोग होते हैं ना, इतना मेंटली इतना क्विक नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज नैरो माइंडेड, ज्यादा वो सोच नहीं पाते, ठीक है, उनकी कैपेसिटी ही नहीं होती ज्यादा सोचने की, ठीक है। तो ये टाइडी इन अपियरेंस, वो टिप टॉप बन के आ सकते हैं, प्रॉपर टू भी हो सकते हैं, सब चीज़ें उनकी व्यवस्थित हो सकती हैं, टाइम टू टाइम हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। और इनके इनके साथ क्या होता है ना, पुअर फ्रेंड सर्किल, दोस्ती यारी कम रहती है, क्यों होता क्या है, दोस्ती यारी इनके साथ कम क्यों रहती है, और उसमें भी उनको डर रहता है, फियर ऑफ लूजिंग सपोर्ट, फियर ऑफ लूजिंग दोज हुम दे आर डिपेंडेंट, ठीक है, जिस पे ये लोग डिपेंडेंट हैं वो भी इनको कहीं छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि इनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना कुछ हिम्मत नहीं है, कुछ इनिशिएशन नहीं है इनका, इसीलिए ये, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इनके ऊपर लोग हंसते हैं, डिल्यूजन लाफ्ड एंड मॉक दैट बीइंग, क्योंकि ये इसलिए इनके ऊपर हंसा जाता है, इनकी काबिलियत नहीं है उतनी, ठीक है, इसलिए लोग हंस देते हैं, अरे तेरे से कुछ नहीं होता, अरे तू रहने दे, है ना। तो ये उनके ऊपर हंस दिया जाता है, इसलिए एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है। अब इसलिए इनको ना हमेशा एक डर रहता है कि फियर ऑफ मतलब लूजिंग दोज हु आर, मतलब ये जिस पे डिपेंडेंट है, फियर ऑफ लूजिंग होम दे आर डिपेंडेंट, है ना। तो जैसे दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दोस्त कहीं इसको छोड़ के ना चले जाए, तो डिल्यूजन। अभी देखो आप फ्रेंड, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन फ्रेंड आर डाइंग, मतलब जो भी है फ्रेंड उसके धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और लोग हंसते हैं, लोग जा रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए, और क्योंकि इसको सबसे ज्यादा इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ये उन पर डिपेंड है, उनके हिसाब से ये चलता है, जब कॉन्फिडेंस नहीं है, दम नहीं है, और फिर लोग इसके ऊपर हंसते हैं, तो फिर ये कई बार अपने आप को डिसगस्टिंग फील करता है, यार मैं कैसा हूँ यार, ठीक है। अब उसमें उसकी गलती नहीं है, ही मेड लाइक दिस, ठीक है ना। तो डिसगस्टिंग हिमसेल्फ विथ एक रूब्रिक है, खुद के बारे में बुरा सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ कि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। इवन देखो आप डिल्यूजन लेग कट ऑफ, तो इसके खुद लेग मतलब इसका सपोर्ट, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ वो होती नहीं है ही नहीं, इवन जो थी वो भी चला गया,
तो डिलीजन लैग कट ऑफ, है ना, ये भी सोच सकते हो आप। अब एबसेंट, एबसेंट माइंडेड मैंने बताया कि ये एबसेंट माइंडेड होते हैं, इनको दिमाग पे चढ़ता नहीं है कुछ, और मतलब होते नहीं हैं यहाँ पर, जहाँ पे हैं वहाँ होते नहीं हैं। आप कुछ पूछेंगे, कुछ बच्चे आएंगे क्लिनिक पे, आप उनसे पूछेंगे तो वो इधर उधर देखते रहेंगे, फिर उसकी मम्मा हिलाएगी, यार तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बोलो तुम, है ना। तो दिस इज एबसेंट माइंडेड, अनऑब्जर्वेंट, तो ये ऑब्जर्व भी नहीं करते, ठीक है, कि कहाँ क्या हो रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो और कई बार क्या होता है ना, इनका एंगर भी बहुत आउटबर्स्ट होता है, ठीक है। तो एंगर कैसे आता है इनको ना, कोवर्डाइज एंगर, कोवर्डाइज सडन फिट ऑफ एंगर। तो होता क्या है, कई बार हम जब गुस्सा आती है तो हम, कई बार हम बच्चों को पुश करते हैं, तू ये कर ले, तू स्टेज पे नहीं जा रहा, अब इसकी दम पड़ती नहीं है, स्टेज तक जाने की इसकी दम पड़ती नहीं है, और आप बार बार पुश करेंगे तो फिर ये झल्ला देगा एकदम से कि यार तुम रहने दो, मुझे नहीं जाना, समझा। तो ये कॉवर्डाइज नेचर की वजह से इस पर एंगर आता है और सडन आउटबर्स्ट होता है, और वैसे भी टिमिडिटी की वजह से ये बोल नहीं पाता, इकट्ठा करता चला जाता है, ठीक है। एंगर सडन कॉवर्डाइज विथ, ये रूब्रिक भी है। और बिजनेस अवर्जन मैंने बताया, फियर ऑफ, देखो आप एक बहुत बड़ी बढ़िया रूब्रिक है, परसिस्टिंग इन नथिंग, तो जो काम ले लिया है इसने वो छोड़ देगा, फिर दूसरा पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा किसी चीज़ पे इसका, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं होती करने की, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड, नैरो माइंडनेस की वजह से ये किसी चीज़ को परसिस्ट कर नहीं पाता है। फियर ऑफ अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, कुछ भी नया आया इसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उतना करेज नहीं होता। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ कोई भी न्यू थिंग्स, ठीक है, कोई भी नई चीज आ जाए तो ये पेशेंट डरता है। तो और भी इसमें इवन विल वीक, कमजोर इच्छा शक्ति, मोटिवेशन विल ड्राइव इसका बहुत पुअर होता है, तो इसलिए ये लोग मतलब कुछ नया नहीं सोच सकते, नया कुछ आ जाए तो फिर उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहाँ से ये भाग खड़े होंगे, ठीक जैसे ये बच्चा नया कोई आया ये भाग खड़ा हुआ वहाँ पे, है ना। इसलिए इसको ना वर्क इम्पॉसिबल, कई बार तो वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है, कर ही नहीं पाता है, तो क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों तरफ से ये बच्चा ड्वार्फ है। तो कई बार ना आपने ड्वार्फिनिज्म, तो फिजिकल ड्वार्फ में कई बच्चों की ना हाइट बढ़ाने के लिए भी बैराइटाकार बहुत अच्छी रेमेडी है, है ना। तो हाइट इंक्रीज कर सकती है बराइटाकार। अभी जैसे ओल्ड पीपल के बारे में बताया, तो मेरे पास एक अंकल थे, वो 70-80 ईयर ओल्ड थे, उनका ना जैसे क्या बोलते हैं, उनको याददाश्त नहीं होता था, ठीक है, याददाश्त सब भूल गई थी, काफ़ी कुछ भूलने लगा था, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते थे। देखो आप एक रूब्रिक है, वीकनेस मेमोरी स्पेशली इन ओल्ड पीपल, तो बराइटाकार वहाँ 3 मार्क्स में होगा, है ना। तो हम इस तरीके से भी उसको सोच सकते हैं। इवन ना बराइटाकार चाइल्डिश बिहेवियर इन ओल्ड पीपल, तो कुछ कई बार हमारे जो दादा लोग होते हैं ना, दादाजी लोग, कि उनके साथ क्या होता है कि अभी ये उनका जो बिहेवियर होता है ना, बच्चों जैसे हो जाता है, बच्चों जैसे हरकत करते हैं, ठीक है, जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड जैसे छोटी छोटी चीज़ों से खेलना, कुछ भी खा जाना, ठीक है। तो ये जो ड्वार्फनिज्म ऑफ ब्रेन जो होता है ना, वो तो होता क्या है कि जब आप ओल्ड हो जाते हो ना, तो एक ब्रेन में चेंजेस आने लगते हैं, इस वजह से आप ऐसा करने लगते हैं, तो उस पर भी बराइटाकार बहुत अच्छा हेल्प करता है। और फिर ये जो बराइटाकार है, अपनी सब कमियों की वजह से ना उसको एम्बैरेसमेंट भी फील होता है, तो एलमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट में भी बराइटाकार है। वही मैंने बताया था, ये स्ट्रेंजर से डरते हैं, एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे, ये एस्केप जहाँ से भी जिनको खतरा लगता है तो वहां से ये भाग खड़े होते हैं, ठीक है। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, कोई बंदा इनको अप्रोच कर रहा है, स्पेशली स्ट्रेंजर्स, तो ये फिर डर जाते हैं, और फिर वो एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे। तो जैसे मेरे वाले केस में भी वही था, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ अप्रोचिंग ऑफ, ठीक है, कोई उसके पास जाएगा तो फिर वो भाग खड़े होते हैं। सो दिस इज लिटिल अबाउट, बहुत सारे फियर्स के रूब्रिक हैं, देखो आप इसमें ना, इवन इंडोलेंस, उनमें बच्चों में कई पेरेंट्स आएंगे, ये पड़ा रहता है, काम करने की हिम्मत नहीं होती, तो इंडोलेंस एवर्जन टू वर्क, है ना। और
दूसरी साइड इसका इंडस्ट्रियस वर्क मेनिया फॉर, मैंने बताया कि वही कुछ लोग अचीव करके सक्सेस तक पा सकते हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए अचीव करते हैं क्यों वो मेहनती भी होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियस वर्क मेनिया फॉर, है ना। तो ऐसे रूब्रिक्स भी हैं हमारी बैराइट अकर्म में। तो ये बच्चों टाइप का रिमेडी है या बच्चों वाली रिमेडी है, तो लाफिंग कॉजलेसली किसी भी बात पे हंसते हैं, ठीक है, लाफिंग सीरियस मैटर ओवर, इवन सीरियसली बात कर रहे हैं, कोई सीरियस मैटर है ना, और उस पर भी हंसी आ रही है, ठीक है, इनको कोई बड़ी बीमारी हो गई है उस पर भी बात करते करते हंस रहे हैं लोग, है ना, तो दिस इज लाफिंग सीरियस मैटर ओवर। सो लिबर्टिनिज्म भी है, तो दिस इज मोर वेरी बिग रिमेडी, ऑफकोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट फैसेट्स के साथ। तो मेरे पास ये केस था इसलिए मैंने बताया, और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट था इसका, है ना। तो एक बच्चा इतना टाइम से परेशान हो रहा है और होम्योपैथी ने उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सो दिस इज लिटिल अबाउट बैराइटा कार्ब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग जुड़िए होम्योपैथी से, जुड़िए, प्रैक्टिस करिए होम्योपैथी और लर्न करिए, सबसे ज़्यादा तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है ना। होम्योपैथी लर्न करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, स्पेशली थ्रू माइंड मैथड। तो दोज हु वांट टू लर्न, जो माइंड मैथड को सीखना चाहते हैं, होम्योपैथी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।